क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दो, क्रिकेट इतिहास जगत का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है बांग्लादेश की सरजमी पर। दोस्तों आपको बता दो, ये मुकाबला दो T20 की सीरीज के रूप में खेला जाएगा। ऐसे में इस T20 मुकाबले की सीरीज में दो टीमें होंगी, एक टीम का नाम है वर्ल्ड 11 और एक टीम का नाम है एशिया की प्लेइंग 11। ऐसे में दोस्तों आपको बता दो, इस T20 सीरीज में दो टीमें खेलती हुई नजर आएंगी, एशिया प्लेइंग 11 वर्सेस वर्ल्ड प्लेइंग 11। ऐसे में दोस्तों आपको बता दो, इसमें कई सारे टीमों के एक एक खिलाड़ी कर टीम बनाने वाले हैं। ऐसे में एशिया की प्लेइंग 11 और वर्ल्ड की प्लेइंग 11 में कई सारे तूफानी खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड 11 के प्लेइंग 11 के बारे में, तो उसमें होंगे फैब डुप्लेसिस, क्रिस गेल, एलेक्स हिल्स, कायरन पोलार्ड, रॉस टेलर, जेसन बेस्टो, निकोलस पूरन, आदिल रशीद, कायरन पोलार्ड, ककिसो रबादा, एंड्रो टाय और मिचेल मैकलेनगन। दोस्तों आपको बता दूं, इसके साथ अगर हम बात करें एशिया की प्लेइंग 11 के बारे में, तो उसमें होंगे विराट कोहली, तमीम इकबाल, राशिद खान, केएल राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत, मुशफिकुर रहीम, तिसारा परेरा, संदीप लमिशन, लसित मलिंगा, कुलदीप यादव, मुजीबुर रहीम, मोहम्मद शामी और मुस्तफिजुर रहमान। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, एशिया की प्लेइंग 11 में और 3 नाम भी जुड़ने वाले हैं जिसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, ये मुकाबला खेला जाने वाला है 21 मार्च शाम 6 बजे से। ऐसे में दो T20 मैचों की सीरीज है और इस T20 मुकाबले का पहला मैच 21 मार्च सुबह 6 बजे से शुरू होगा। ऐसे में देखना मुश्किल होगा इस मुकाबले को, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी मजबूत हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम इस सीरीज को जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और ऐसी ही क्रिकेट की खबरों के लिए